स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के किले में स्थित बांधवाधीश मंदिर, जिसमें बिराजे रामजान की, जिनका पाठ गेट साल में एक बार जन्माष्टमी पर खोला जाता है। यहां सबसे पहले रीवा रियासत के वंशज पूजा अर्चना करते हैं। उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगने वाले जन्माष्टमी के मेले के लिए दूर दूर से श्रद्धालु टाइगर रिजर्व के अंदर बने किले पर दर्शन हेतु पहुंचे। सुबह 7 बजे से ही प्रवेश शुरू हुआ, जो 11 बजे तक जारी रहा। दोपहर 3 बजे तक वापसी करनी अनिवार्य थी। शाम 5 बजे शाम तक टाइगर रिजर्व से सभी को बाहर कर दिया गया। बांधवगढ़ ताला गेट में साल में एक बार लगने वाले मेले में हजारों की तादाद रही, जो प्रदेश के कोने कोने से आए थे। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल के पहाड़ में स्थित ताला गेट से तकरीबन 10 किलोमीटर वन मार्ग में पैदल सफर तय कर मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर टाइगर रिजर्व के अधिकारी, कर्मचारी और 200 से अधिक पुलिस बल, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी तैनात रहे। तो वहीं जंगली हाथी और वन्य प्राणियों की मूवमेंट पर विशेष निगरानी रखी गई। सुरक्षा के लिए 12 से अधिक विभागीय हाथियों को भी तैनात किया गया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ऊपर बांधवाधीश का मंदिर है, जो कि साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, तो आज जन्माष्टमी के दिन उसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे। इसके लिए हम 2 दिन पहले से ही हम पुलिस और वन विभाग की जो प्रक्रिया है चालू हो गई थी, और हमने पूरा रूट क्लियर किया, और उसमें यदि कोई जानवर थे तो उनको फॉरेस्ट विभागों ने उसको एडजस्ट किया। और आज सुबह से अभी तक लगभग 11,000 लोग यहाँ आ चुके हैं, जो कि यहाँ दर्शन किए हैं। और ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा पैदल का रूट होता है, इसमें श्रद्धालु आते हैं, और इसके लिए यहाँ लगभग 100 से 125 पुलिसकर्मी इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए थे। तो मैं आप सबको जन्माष्टमी की मैं ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा बांधवाधीश मंदिर में यहाँ पर जन्माष्टमी हजारों सालों से यहाँ पर मनाई जा रही है। हमारा बांधवाधीश मंदिर जो रीवाराज परिवार के लक्ष्मणबाग संस्थान के माध्यम से चलाया जाता है, वैष्णव पद्धति से चलता है। आज वैष्णव पद्धति से आज का ही दिन जन्माष्टमी माना जाता है। वृंदावन में भी आज ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और उसी प्रकार से हमारे वैष्णव परंपरा में हम लोग जन्माष्टमी का जो आज पर्व आया है रोहिणी नक्षत्र का, वो आज ही पड़ा है। कल रात से लेकर के आज के दोपहर के 3-4 बजे तक वो रहेगा, तो इसलिए ही आज जन्माष्टमी यहाँ पर मनाई जा रही है। 52 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, अभी सब वापसी की स्थिति में है, सब लोग वापस हो रहे हैं। टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रवेश टाइम था, और वापिस लौटने का समय 4 बजे तक। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था? सुरक्षा के लिए 150 पुलिसकर्मी हैं, 300 हम वन विभाग के सुरक्षाकर्मी लगे हुए, समस्त अधिकारीगण लगे हुए हैं।